सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, कुछ इस तरह के फ़ोटो हमारी एडिट हुई है, तो फ्रेंड हम आपको दिखा दे रहे हैं। तो अगर आपको भी ऐसी फ़ोटो एडिटिंग करनी है तो गाइज इस वीडियो में बिल्कुल बने रहिए। तो गाइज इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। सो फ्रेंड, अपनी पिक को यहाँ से रियल वाली ले लेंगे। रियल वाली कुछ इस प्रकार से हमारी पिक है, तो इसे शेयर कर लेंगे अपने स्नैपचैट के अंदर सबसे पहले। तो सो फ्रेंड, आ चुके हैं अपने स्नैपसीड वाले एप्लीकेशन में। तो स्नैपसीड वाले एप्लीकेशन में आने के बाद से आपको यहाँ से टूल्स का ऑप्शन दे रहा है। तो ये रहा हमारा टूल्स का ऑप्शन। तो टूल्स वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं। टूल्स वाले ऑप्शन पे आने के बाद से आपको करना क्या है, ऊपर की साइड में आपको यहाँ से डिटेल का ऑप्शन दे रहा है। तो डिटेल वाला ऑप्शन पे आ जाएंगे। डिटेल वाले ऑप्शन पे आने के बाद से इसे हम लोग +10 कर लेंगे, और उसके बाद से इसे हम लोग +10 कर लेते हैं। इतना करने के बाद से फ्रेंड सही वाला ऑप्शन से डन कर देंगे। डन करने के बाद से वापस हम टूल्स वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। टूल्स वाले ऑप्शन पे आने के बाद से आपको यहाँ से ट्यून इमेज का ऑप्शन दे रहा है फ्रेंड। तो ट्यून इमेज वाले ऑप्शन में आ जाएंगे। ट्यून इमेज वाले ऑप्शन में आने के बाद से फ्रेंड हमारे बैकग्राउंड में लाइट कम है, तो इसे ब्राइटनेस को प्लस करके हल्का सा अपने बैकग्राउंड में लाइट कर देंगे। लाइट करने के बाद से फ्रेंड उसके बाद से यहाँ से कंट्रास्ट, तो कंट्रास्ट को प्लस कर लेते हैं, प्लस इसे 20 कर लेते हैं। उसके बाद से नीचे आएंगे, सेचुरेशन को इसे हम लोग प्लस में कर लेंगे, इसे भी +20 कर लेंगे। उसके बाद से एम्बियंस को प्लस में कर लेंगे, इसे हम लोग +30 कर लेते हैं। और हाईलाइट को हम लोग हल्का सा कम कर देंगे, -20 कम कर लेंगे। उसके बाद से शैडो को हमको प्लस में करना है, इसे +10 कर लेते हैं, 10। उसके बाद से इतना करने के बाद से सही वाला उसमें से डन कर देंगे। डन करने के बाद से कुछ इस तरह से हमारा फोटो शो कर रहा है। शो करने के बाद से फिर वापस हमको टूल्स वाले ऑप्शन पे आ जाना है। तो टूल्स वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं। टूल्स वाले ऑप्शन पे आने के बाद से फ्रेंड आपको यहाँ से पोर्ट्रेट का ऑप्शन दे रहा है, तो पोर्ट्रेट वाला ऑप्शन में आ जाएंगे। पोर्ट्रेट वाले ऑप्शन में आने के बाद से कुछ इस तरह से सर्च कर गया, तो हमको हमको इसे फेस को इतना ही पर रखना है, और इस स्किन स्मूथ को हमको प्लस में रख देना है। यहाँ से कुछ इतना पे कर लेंगे, 75% पे स्किन स्मूथ को। उसके बाद से आई क्लैरिटी को हम लोग हल्का सा कम कर देंगे। इतना कम करने के बाद से फिर सही वाला ऑप्शन से डन कर देंगे। डन करने के बाद से फ्रेंड हमको क्या करना है, कुछ इस तरह से हो गया हमारा फोटोज़। उसके बाद से फिर टूल्स वाले ऑप्शन पे आएंगे। टूल्स वाले ऑप्शन पे आने के बाद से आपको यहाँ से एक और ऑप्शन दे रहा है, इस वाला ऑप्शन पे आपको आ जाना है। इस वाले ऑप्शन पे आने के बाद से यहाँ से इसे हम लोग कर देंगे इसे इनेबल, और इसे हम लोग प्लस में, और इसे हम लोग कुछ इतना पे कर लेंगे। उसके बाद से सही वाला ऑप्शन से डन कर देंगे। डन करने के बाद से गाइज हमारा इतना करने के बाद से काम हो चुका है। तो अपने सो फ्रेंड अपने फेस ऐप में इसे पिक को शेयर कर लेंगे। सो फ्रेंड, फेस ऐप में आपको शेयर करने से पहले अपने फ़ोन का डाटा ऑन कर लेना है। तो हम फटाक से अपना फ़ोन का डाटा ऑन कर लेते हैं। डाटा ऑन करने के बाद से आपको यहाँ से शेयर वाला ऑप्शन पे आ जाना है। शेयर वाला ऑप्शन पे आने के बाद से कुछ इस तरह से प्रोसेसिंग लेगा। लेने के बाद से सो फ्रेंड यहाँ पर हमारा दिखा रहा है फेस ऐप, तो यहाँ से शो कर दे रहे हैं, ये है हमारा फेस ऐप। तो अपने फेस ऐप में एंटर कर लेते हैं। एंटर करने के बाद से कुछ इस तरह से आपको दिखने को मिलेगा। तो फ्रेंड अभी आपका फ़ोटो को लोडिंग ले रहा है, लोडिंग। सो फ्रेंड हमारा फ़ोटो ले लिया है। लेने के बाद से आपको इस साइड में आना है। इधर की साइड में आने के बाद से यहाँ से एक ऑप्शन दे रहा है बैकग्राउंड का, तो ये रहा बैकग्राउंड वाला ऑप्शन। तो इस वाले बैकग्राउंड वाले ऑप्शन में आ जाएंगे। यहाँ से बैकग्राउंड वाले ऑप्शन में आने के बाद से फ्रेंड आपको इसको इधर भगाना है, भगा कर आएंगे तो हमको लास्ट में जाना है। तो इधर आने के बाद से कुछ इस तरह से आपको दिखने को मिल जाएंगे। तो इधर प्रोसेसिंग चल रहा है, तो कुछ इस तरह से फोटोज़ आपका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा गाइस। तो इसमें हमने अपनी फ़ोटोज़ एडिट किया था। तो इतना करने के बाद से फिर यहाँ से अप्लाई कर देंगे, तो फ्रेंड कुछ इस तरह से आपका दिखने लगेगा आफ्टर बिफोर। तो सो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट से सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।